है यार। What's up bro? आपका क्या कहना है, आज का वेदर कैसा लग रहा है आपको? यो आप देख सकते हो कैश ले लिया है, यहाँ के आप सब्जी नहीं खरीद सकते क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा विदेशों में जितने लोग रहते हैं वो सुपरमार्केट से ही सामान खरीदते हैं, सारे ग्रोसरी सब्जी फ्रूट सब कुछ वहीं से खरीदते हैं। बट क्या यहाँ पर इंडिया की तरह सब्जी मंडी लगती है, ऐसा बहुत लोगों को पता नहीं है। खैर मुझे पता था बट मैं कभी गया नहीं हूँ गाइस, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसी होती है सब्जी मंडी, वहाँ पर कौन आता है, कैसे प्राइस चल रहे हैं सब्जियों के, और सुपरमार्केट से क्या वो अलग हैं। तो आपको दिखाने के बहाने मैं थोड़ी सब्जी भी खरीद लूँगा गाइस, और मैं खुद भी देख लूँगा कैसा है, क्योंकि यार ये सब्जी मंडी लगती है सुबह में, और इतनी जल्दी सुबह सुबह में मैं जाता नहीं हूँ, बट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, शेयर लाइक फॉरवर्ड जरूर कर देना, भूलना मत। चलिए, आज है बीवी का डे ऑफ, तो डे ऑफ पे बीवी क्या करेगी, कोई काम नहीं, सिर्फ सोएगी। पूछ के देखते हैं फिर भी। ओए सब्जी मंडी चलेगी स्पेशल व्लॉगिंग। देखा गाइस, बस हाथ बाहर आया और इशारा कर दिया है। तो गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं नहा के एकदम तैयार हूँ जाने के लिए, क्योंकि वैसे तो छुट्टी वाले दिन मैं भी इतनी जल्दी नहीं उठता हूँ, बट आज स्पेशली व्लॉगिंग के लिए मैंने कहा उठना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई सारा सामान सारी सब्जी वहां बिक चुकी होगी और मैं सिर्फ खाली वीडियो बना के आऊंगा। तो बीवी बोले कि भाई सिर्फ वीडियो ही बनाने गया था, सब्जी नहीं लाया कोई, तो चलिए। तो भाइयों आप देख सकते हो कैश ले लिया है, क्योंकि पता चला है कि वहाँ पर कैश ही चलता है। खैर कैश पूरी दुनिया में चलता है, तो बट अगर आप वहाँ पर जा रहे हो सब्जी मंडी जा रहे हो वहाँ पर, तो ट्राई करो कैश लेके जाओ, मुझे नहीं लगता वहाँ पर कुछ कार्ड वार्ड चलता है। तो हमने ले लिया है भाई 50, 100, 150, 60, 70, 80 डॉलर। तो भाई लगता है $180 की सब्जी बहुत रहेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ले आया और भाई मुझे बनानी पड़ेगी तो वो भी एक दिक्कत है। गाइस आपको ऑकलैंड की सुबह दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। क्वाइट है, संडे की छुट्टी आज तो इतनी भीड़ नहीं है रोड पे, ये हार्बर ब्रिज है। तो गाइस जो लेफ्ट में जो लेन लगी हुई है ये सारी सब्जी मंडी के अंदर जाएगी, और मुझे इसी लेन में घुसना है किसी भी तरह इनको क्रॉस करके, पर मुझे रास्ता नहीं पता है कहाँ से एंटर करना है। मैं मुझे लगता है यहाँ भी पर्ची कटती है, नहीं ये पर्ची नहीं काट रहा भाई, ये ऐसे ही पैसे इकट्ठे कर रहा है बेचारा गरीब। तो वैसे बता दूं गाइस, वो बंदा पार्किंग ही करवा रहा था, उसने $3 लिए पार्किंग के, और अंदर यहाँ पर आपको पार्किंग दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। अरे बढ़िया जी, बढ़िया जी, अंकल को मिला देना बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ओके बाय बाय। तो भाई कुछ जान पहचान वाले मिल गए थे, तो इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले यहाँ से सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, क्योंकि बल्क में लेते हैं तो इनको थोड़ा फ़ायदा होता होगा, क्योंकि सुपरमार्केट्स में काफ़ी महंगी मिलती है। तो देखते हैं और कौन कौन मिलता है यहाँ पे। भाई आप देख सकते हो पूरी बोरी की बोरी गाजर की जा रही है। तो भाई सब्जी मंडी तो हम पहुँच गए हैं, पर यहाँ के आप सब्जी नहीं खरीद सकते क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट, और भाई लड़के तो एक्सपर्ट होते नहीं है, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया नेहा को, वो यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है। तो नेहा के आने के दो फायदे हैं भाई, पहली लड़कियों को ज़्यादा पता होता है क्या सब्जी सही है क्या खराब है, भाव तोल ये सब चीज़ों का, और दूसरी बात अगर मैंने कोई गलत चीज़ खरीदी और वो फ्रेश नहीं है जो भी चीज़ है, तो मैं गुल्लू को बोल सकता हूँ कि भाई ये तो नेहा ने खरीदी है, तो वहाँ पर भी गलती नेहा की होगी और नेहा को पता भी नहीं होगा और मैं बच जाऊँगा। गाइस गाइस फाइनली नेहा और करण मिल चुके हैं, और कहाँ घूमोगे दोबारा से? मिली है हेलो दोस्त करण से, हाय करो दोस्तों को, नेहा सब्सक्राइब बोलो। तो भाई यहाँ पे भी आपको जैसे इंडिया में आपको अंगूठिया ये सब रखने को मिलता है ना, तो भाई साहब यहाँ भी रखी हुई है सब। इधर कपड़ों की दुकान है, ये क्या है? तो गाइस टबैको का पेड़ है ये, और अब करण इससे लेकर के तंबाकू बनाया करेगा, और हम भी यहाँ पे अपनी दुकान लगाएंगे अगली बार, और बहुत महंगा बेचेंगे हम $2 का $5 बेचेंगे हम पेड़ नहीं बेचेंगे, हम तंबाकू बेचेंगे ना, हम सिगरेट बेचेंगे। हाँ सिगरेट बेचेंगे हम भाई। और यहाँ रखे हुए हैं मास्क अलग अलग तरीके के, Yeah, there's nothing more. Like,
भाई कॉटन के टॉवल मिल रहे हैं, चार पीस मिल रहे हैं $10 में, और एक पैकेट मिल रहा है $25 में जिसमें 10 है। करण तेरे लायक शर्ट है, रंग बिरंगी एकदम शानदार भाई, तो लड़कियों की लग रही है। $10 की भाई साहब, ऐसा ना आपने कहीं सुना होगा ना देखा होगा, तीन टी शर्ट भाई के लिए $10 टी शर्ट भी है करण, है भाई। गुल्लू के लिए ले लेता हूँ, बोलूंगा कि 30 की एक थी जैसे वो आपकी वीडियो देखी थी नहीं। शिट, ये मैं भूल ही गया था कि भाई जो ओ भाई साहब, और ये हम ले रहे हैं हुड्डा भाई के लिए, क्योंकि आजकल उनकी पिलाई मांग रही है ना उनकी हरकतें। ऐसा मेरे को आज फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं टूरिस्ट हूँ, ये दोनों मुझे सब्जी मंडी घुमाने आए हैं। वाह वाह वाह, आप हमारे इनविटेशन पे आए हो ना, हमने आपको बुलाया है यहाँ पे। भाई साहब ये इतने सस्ते ला कहाँ से रहे हैं? जैकेट्स आएंगे $10 की, टी शर्ट भाई साहब $5 में, टोपियाँ। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमने भाई के लिए एक शर्ट पसंद करी है, और भाई के लिए दो चीज और पसंद करी है, एक गुलाबी, इनको गुलाबी रंग और हरा रंग बहुत पसंद है भाई को, बहुत कूल है ये किसी को गिफ्ट करने के लिए। भाई वैसे गिफ्ट करने के लिए बढ़िया सामान मिल रहा है, पर सस्ता, एकदम सस्ता, सस्ता और टिकाऊ, सस्ता और टिकाऊ। ऐसा लग रहा है आपको शॉपिंग करते हुए? ये शॉपिंग सारे मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए हो रही है, कि उनको दिखाना है कि क्या क्या मिल रहा है और सस्ता और टिकाऊ। एकदम गरम गरम कैश निकालते हुए। तो गाइस हम सब्जी खरीदने आए थे और कुछ और खरीद के जा रहे हैं, और सब्जी के बिना घर नहीं जा सकते, एंट्री नहीं होगी और रोटी नहीं मिलेगी आज। यार वो वाला ढूंढना जो वो एसी के उसमें लग जाता है गाड़ी में और चिपकाना नहीं पड़ता। नहीं नहीं ये तो पीछे कुछ है ना चिपकाने वाला, इसको तो ये रहा। हाँ ये रहा उसका, नहीं ये उसमें एसी में जो जैसे होटल में एसी वेंट होल्डर, एसी वेंट मोबाइल होल्डर, दैट्स ऑल वी गॉट, एयर कंडीशनर 20 अपने को ये मिल गया है, क्योंकि गुल्लू की गाड़ी में मोबाइल गिरता रहता है, तो उसको नेविगेशन के लिए हम ये दे देंगे आज। तो गाइस हम 20 का तो नहीं लेंगे, तो हमें आगे वाली दुकान पे जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर पूरा लेट्स गो। तो भाई हम भी पूरे सस्ते में आ चुके हैं, उसने बोला $20 में देंगे, हमने बोला $20 में नहीं लेंगे, हम थोड़ी इंडिया वाली फील लेना चाहते हैं कि थोड़ा सस्ते में लेंगे और भी ज्यादा चले। कैसा लग रहा है? एकदम सचिन तेंदुलकर। तू पहन के दिखा, मेरे को तो बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बड़ा है ये। तब हम करण पे ट्राई कर लेते हैं। बादशाह आ गए हैं। ओहो कड़क कड़क नोट। ओहो भाई हम सब्जी छोड़ के सब लेंगे आज, मुझे लग रहा है ऐसे ही करने वाली है नेहा हमारे साथ, हर जोड़ पे खड़ जाती जा करके। गुच्ची की चप्पल और अपने को कितने की पड़ जाएगी? करण एक काम करते हैं, गुच्ची लेते हैं और बेचते हैं भाई, भरोसा भी कर लेंगे लोग। गुच्ची के बाहर ही बैठ जाते हैं। तो गाइस गुच्ची तो नहीं लेंगे, पर आप आज कुछ और ले लेते हैं। आज सिर्फ वो $180 जो मैं लेके आया, वो $180 पूरे खर्चने हैं, अब जो मिलेगा वो ले लेंगे अपने हिसाब से। तो ये काला रंग बढ़िया लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हाँ तो हाँ ले लो लुई बटन, पता चल गया नकली है, वो घर से निकाल देगी वो, तो मैं ही पहन मैं ही ले सकता भाई अपने लिए। गाइस नया $25 की दे रहा है चप्पल, तो नया ने मना कर दिया कि $25 की चप्पल नहीं लेनी है, फिर हम ओरिजिनल नाइक ही ले लेंगे भाई 50 में, है ना गाइस। चलो कितने का ये? How much for this? $20 only. $20. $20. Yo, $20. What's up, bro?
आपका क्या कहना है, आज का वेदर कैसा लग रहा है आपको? आज का सुहाना वेदर है, सुहाना वेदर, खर्चे करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा। आज हम आए हैं चीप वाली जगह पे। अच्छा। और हम लेंगे सब्जियाँ, पर अभी तक हमने सब्जियाँ ली नहीं है। तो ये मार्केट कैसे लगी आपको? मार्केट अभी तक सही है, अच्छी मार्केट है अभी तक, सही है। इंडिया के मुकाबले आपको अच्छी लगी न्यूजीलैंड की मार्केट के? नहीं, इंडिया तो इंडिया। अच्छा, इंडिया तो वहाँ पर। तो गाइज मजे लेने के बाद हमने माइक रख दिया नीचे। माइक ड्रॉप हो गया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तू ले ले, ये होली के लिए सही बेस्ट है। ले तू ये होली के लिए। ओ दिखा दिखा दिखा, होली के ओए एक मैं भी ले लेता हूँ, होली पे यही पहन लेंगे। डू यू हैव मोर साइज इन दिस? No, पहले नो बोलते हो, ढूंढेगी भी नहीं। Can you check for me? I will take it. भाई मेरे लिए भी ढूंढ। अरे मेरे लिए भी ढूंढ देगी। साइज देखो इसका क्या है, बड़ा ही लग रहा है मेरे को। ये तो एक्स्ट्रा है। 5XL है। नहीं होएगा तेरे को? होगा, बट वो एक्चुअली कैमरे में आने के बाद करण सस्ता माल नहीं ले रहा है, ये थोड़ा कॉन्शियस हो गया। पर भाई ये आज जो जो पैसे लाए खर्च के जाने हैं। मैं तो अभी लाया ही नहीं पैसे। साले मेरे पैसे पेश करेगा। गाइस हम दोनों को तो मिल गई है एक जैसी होली पे जाने के लिए टी शर्ट, और करण नहीं लेगा क्योंकि वो ऑनलाइन कुछ नहीं लेता वीडियो में। वो ऑफलाइन लेगा। तो भाई यहाँ पर आके मजा आ रहा है क्योंकि वो चिल्ला रही है $10 की टी शर्ट ले लो, $10 की टी शर्ट ले लो। तो इंडिया वाली फील आ गई, बढ़िया लगा। सुबह जल्दी सो के उठ के आना सफल लग रहा है मुझे। तो भाई करण $10 में LV लेगा। इस लग नहीं रहा कि नेहा भी सब्जी के लेने के मूड में है। बिल्कुल भी नहीं, वो हमसे भी ज्यादा कपड़े देख रही है। नहीं, अब ये एक्चुअली हमारे साइज है नहीं, बट जो इसका थीम है वो हमको होली के लिए बढ़िया लग रहा है, तो इट्स अ वन टाइम वेयर, सो वी विल बाय दिस। साइज नहीं है मेरा, बट मैं बाय करूंगा। और करण का LV? और करण मैं लूंगा, लूंगा। करण का गुलाबी दे दो। कौन सा गुलाबी? ये भी बढ़िया है। मैं गुल्लू के लिए मिल गया हमारे को मोबाइल टांगने के लिए, तो $15 में मिल जाएगा ये। तो मेरे को लगता है भैया सब्जी आएगी जिस तरीके से हम चल रहे हैं। मार्केट सच में बहुत शानदार है भाई, आप जितना भी पैसा लेकर मुझे खर्च हो जाएगा। तो भाई फाइनली यहाँ पर सब्जी के पास आ गए, सब्जी दिखाओ। अब सब्जी के तरह को ना प्राइस दिखाता हूँ मैं भाई, ये कितने का है भाई? ये 5.99 है ना? ठीक है, तो भाई $6 में KG है क्या बैंगन? और घिया मिल रहा है भाई $7 में। वो कह रही कि डिस्काउंट दे दे, घर जाने का टाइम हो गया। अयो भाई स्वाद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐसे टाइम कटता भाई दिन भर, नहीं तो इतनी दोपहर में कैसे टाइम कटे भाई। आप स्टार हो, आप ही की बनेगी आज, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आप हर संडे यहाँ पर आते हो? एवरी संडे। और कितने बजे आप सुबह उठ जाते हो? 3 बजे भाई उठ जाते हैं सुबह में। और यहाँ से उल्टा कब जाते हो? यहाँ से जाते हैं हम भाई अराउंड 2:30, 2:30 के आसपास। 4 बजे घर पहुँचते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, दूर से आते हो? भैया ओके। और ये दूसरे भाई है, ये मनरेवे से आता है। अच्छा मनरेवे से, ये तो पास से आता है, आप दूर से आते हो? ओके। तो भाई सब्जी लाते कहाँ से, खेतों से अपने या कैसे? अपने खेत से। ओके कोई। तो भाई अपना कभी किसान वाला काम चल रहा है, सीधा खेत से लाके यहाँ बेचते हैं भाई। बढ़िया है, खरीदना पड़ेगा ना। बढ़िया भाई, अपने फ्रेश सब्जियाँ बिक रही है। आए थे पहले $20 का था। अच्छा मुझे पता है, इसलिए मैं घूम के आई हूँ। अरे फिर से घूम के आओ। अरे भैया फिर वही प्राइस पे दे दो ना अभी। नहीं इससे कम। कितने का ये पड़ गया अपने? 12:30 का। तो मुझे 5 और देने तुमको अराउंड, है ना?
नया को मैंने हिसाब के पांच दे दिए हैं, 7.5 इस पे पहले रहते हैं, पहले कर लिया है 7.5। टमाटर खरीद लिए? कब खरीदे? और टमाटर कब खरीदे? वो क्या उसमें रखे? और ये किसने डाले? मैंने डाले भाई। तो भाई यार सामान डाल दो के पता नहीं चलेगा ना। अभी इन पे उधारी चढ़ गई है। कितने की? आपने $5 दिए, 7.5 की उधारी फिर चढ़ गई। उल्टा हो गया भाई, 7.5 पहले नेहा पे था, 7.5 नेहा ने मेरे पे चढ़ा दिए हैं। भैया ने बोल दिया है कि अगर ये मीठा नहीं देगा तो अगले हफ्ते $25 वापस है। झूठा भी मत बोल देना। ओ गाइस, ओ नहीं, नेक्स्ट टाइम आना और डिस्काउंट दे देंगे। हां आते रहो, फिर डिस्काउंट मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया। 270 पर यहां पे आओ, अच्छा अच्छा पोटैटो लेके जाओ। बहुत सुंदर, यो बहुत सुंदर पोटैटो है, लेना है भाई। सिद्धू मूसे वाला चल रहा है एमंडेल के संडे मार्केट में। न्यूजीलैंड में सबसे महंगे रखे हैं रेड ऑनियन, ठीक है। तो लाल प्याज कितने आ सकते हैं? $4 में 1 kg ना, तो $4 में मिलेगा। व्हाइट वाले यहाँ सस्ते होते हैं, व्हाइट वाइट है $3 के, $3 के लो वो 3 के 4 के। तो भाई फिर तो लाल ही लेंगे आप। करण तरबूज ले ले भाई, आगे जाके लेंगे और सस्ता पड़ेगा। करण बिल्कुल वही अपने टिपिकल इंडियन स्टाइल में बोलते हुए कि आगे जाके लेंगे सस्ता पड़ेगा। तो भाई यहाँ वाला खीरा है $3 का, मैं दिखाता हूँ $3 का क्यों है। तो भाई खीरे का साइज देख लो, अगर ये करण के एक पड़ जाए तो $3 वसूल। जैसे ये कुछ है, इसका हमें नहीं पता क्या है। आई थिंक ये ले रहे हैं नींबू। नहीं क्या बोला था? ओ क्या 24 $25 भाई। सब्सक्राइबर्स को बता दो, वो बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हो। तो अच्छा भाई सुबह कितने कितने बजे आते हैं आप ये खोलने के लिए? भिंडी मिल रही है 10 kg। भाई पिछली दुकान पे आपने देखा था कि कितने के थे? $3 के थे रेड अनियन ना। तो करने वाला आगे चलते हैं, सस्ता मिलेगा। तो आप आगे पहुंच गए तो $1 कम हो गया, जितना आगे जाओगे और कम हो जाएगा ना। तो ये स्टंट है, तो अपने इंडिया वाली चीजें जितनी अंदर जाओगे मंडी उतना सामान सस्ता मिलेगा। तो हमारे यूट्यूबर प्याज लेते हुए भाई आज छोंक नहीं लगेगा, प्याज ना गए घर में। प्याज का सूप जानने के लिए केडी के चैनल को सब्सक्राइब करें। नेहा बना सकती है प्याज का सूप। तो भाई ना ऐसे सूप सुने ना देखे, पर नेहा इतने सारे प्याज देखे होगी पागल, तो सब बना देगी। तो भाई हम सब्जी भी ले रहे हैं, हम आलू भी ले रहे हैं, प्याज भी ले रहे हैं, और गाने चल रहे हैं बॉलीवुड के। यहाँ पर एकदम फील आ रहा है इंडिया की मंडी। ऐसे उड़ रहे मंडी में भाई, नया गुजराती है, गुजराती बात चल रही है यहाँ पर। वो बेसिकली वो कह रही है कि जो ये यूट्यूबर आए पैसे ज्यादा लो उससे। मैंने अपना शेयर भी मेरे पे डलवा दिया में बात करके। तो केडी कितना हुआ? $1 आलू प्याज दोनों के। थैंक यू ब्रो। भाई प्लम मिलेंगे आपको $7 के केजी। प्लम को हम क्या बोलते हैं? आलू बुखारा भी बोलते हैं भाई। भाई चेरी मिल रही है $10 का डब्बा। ओए नया भाई वाटरमेलन मिलेंगे यहाँ पे 15 का एक और 20 के दो। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इसको, इन्होंने ट्राई करने के लिए रखा है। बढ़िया भाई। यहाँ मिल रहे हैं $7 के किलो टमाटर और काउंटडाउन में मिल रहे हैं $10 के किलो। तो यानी $3 का फर्क है टमाटर में, 1 किलो टमाटर में $3 का फर्क है। आगे हैं $5.5 के टमाटर, पिछली पे थे $7 के टमाटर और काउंटडाउन में $10 के टमाटर। तो भाई करीबन करीबन आधे प्राइस पे टमाटर मिल रहे हैं सुपर मार्केट के मुकाबले। भाई स्पिनिच मिल रहा है $7 का किलो। ब्रोकली से अपना कुछ खास लेना देना नहीं है भाई। बैंगन मिल रहे हैं $8 के केजी। ये क्या घिया? ये कितने की? $1.5 की। $1 का और ये वाला $5। इतना डिफरेंस क्यों?
इसमें सीड्स हो गए ना थोड़े पक्के हो गए ऐसे। यार घिया मैं ले लेता हूँ भाई, ये मिल रही है $5 की। एक तो भाई सही बताओ, जब से न्यूजीलैंड में आए हो अपने से खुद से कभी घिया नहीं खरीदी, क्योंकि इजीली मिलती नहीं है भाई, मंडी मंडी माना पड़ता है। तो आई थिंक इतने सालों बाद आज घिया भाई, हमने नेहा को बोला कि अच्छे वाला घिया छाट के दे हमें, क्योंकि अगर खराब भी हुआ तो हमने क्या बोलना है कि नेहा ने खरीदा था। तो भाई हमने ले लिया घिया, और मैं बता दूं गुल्लू को ना घिया खानी पसंद है ना बनानी पसंद है, बट फिर भी घिया बनेगी आज तो। भाई संतरे मिल रहे हैं $5 के किलो, और आई थिंक यही सुपर मार्केट में मिल रहे हैं आजकल $9 के कुछ किलो, है ना। पर इसमें थोड़े छाटने पड़ेंगे भाई, इतना अच्छी क्वालिटी में दिखी तो छाटोगे, इसलिए हम नया को लेकर आए। ये छाटे के इसके बैग में ले लूंगा, फिर एक और बैग भरेंगे, फिर हम सब्जी ले लेंगे। भाई केले मिल रहे हैं $3 के केजी, पर आई थिंक सेम सही प्राइस है, 3.5 के आसपास सुपर मार्केट में मिलते हैं, तो केलो में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ले लेते आए हैं। तो चलो भाई ये क्या रही नेक्टरीन से, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, पर ये है नेक्टरीन। तो इसका प्राइस बोल दिखा दो, ये प्लम की बहन है, आलू बुखारा की बहन है, ये अंग्रेज बहन कहते ना पहले इस्तेमाल करे फिर इस्तेमाल करे। अच्छा मीठा होगा $2 का मिल रहा है आलू बुखारा, भीड़ लगी पड़ी है, कहती पूरी फुल है। ये हमारे यूट्यूबर आज पैसे बचाते हुए, भाई बाहर निकलना मुश्किल हो गया वहां से, और तो नहीं खरीदा जाएगा आपके भाई, पैसे पूरे खत्म करके जाने केड़ी भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसे खत्म नहीं होंगे यहाँ पर, बहुत सस्ता माल है और उठा नहीं सकते हम और ज्यादा। 25 के किलो ये लेफ्ट वाले हैं, 22 के किलो ये राइट वाले हैं, दोनों ही अखरोट हैं। मूंगफली मिल जाएगी, हम इतने थक चुके हैं, अब नेहा से शॉपिंग कराई जा रही है भाई, धूप बहुत है और बस यही करेगी, अब जो करेगी आप तो घर जाएंगे। तो गाइस ये बहुत चालाक ब्रो, क्योंकि ये एक घर से दो बंदे आए हुए हैं और मैं अकेला आया हूँ भाई, तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और ये देख लो आराम से खाली खड़ा है। वन मैन आर्मी। ओहो हो, यूट्यूबर ऐसे चढ़ा चढ़ा के गाइस आज बहुत शॉपिंग कराएंगे, 180 खत्म करवाएंगे। चेरी का बॉक्स है, 2 किलो है $20, यानी 2 किलो मिल जाएगी 15 की बोतल, मैं और नया सोच रहे हैं एक एक डब्बा ले लेंगे, हमारे $5 बच जाएंगे भाई। तो अब नेहा पे उधारी हो गई है $7.5 करण, इधर घूमियो, अरे यार घूम तो जाए यार भाई ना। तो करण के वाटरमेलन बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत बढ़िया, इस मैं इनको आधे घंटे से कह रहा हूँ चलो, बस इतना हो सकता तो हो गया है, इतनी शॉपिंग की आदत नहीं है, पहली बार मंडी में आए हैं भाई, इंडिया में तो आदत थी जाते रहते थे, पर यहाँ नहीं है भाई, गर्मी और लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा। आपको काट के मधुमक्खी नया दिखाई, इधर नया गाड़ी की चाबी से अपना वो गले पे रब कर रही है लोहे से, यहाँ पर अगर गर्मी लगे तो आप यहाँ पे ये पी सकते हो, शेक्स वेक जूस वूस सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर खाने पीने का। तो भाई सामान हो गया बहुत ज्यादा भारी, अब हम ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, अब शांति मिली है, खत्म हुई शॉपिंग। और ये भाई हमारे तरबूज के साथ बड़े खुश हैं, बहुत खुशी से खेल रहे हैं, बॉल नहीं भाई फोड़ मत दियो, बहुत महंगा है, $15 का एक तरबूज है गाइस, जैसे बता दूं। पर गाइस नया नहीं सजेस्ट किया था, यहाँ पर आओ शॉपिंग करो और आकर के लगाएं, काफी सस्ता सामान है, और जितने मैं पैसे लेके आया था वो खर्च नहीं हुए, बच गए उसमें $50, तो 180 लेके आया था, इसमें कपड़े भी लिए, पता नहीं क्या क्या लिया, पर सब्जी भी ली, फ्रूट्स भी लिए, बहुत कुछ लिया, बट फिर भी पैसे बच गए हैं। मस्ट विजिट इफ यू वॉन्ट टू बाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो एवेंडल सुपर मार्केट जरूर, एवेंडल फार्मर्स मार्केट जरूर आना, एवरी संडे लगता है, रात शाम के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक होता है, बट नॉर्मली 12 कहते हैं पर 1 बजे तक होता है, अगर आप 11:30 बजे भी आ जाओगे तो गुड क्राउड। और करण को हम लेके आए थे सामान उठाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, भाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई और सामान उठाने बहुत मदद करी। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉरवर्ड कर दो भाई, जल्दी जल्दी, फॉलो नहीं कर रहे आप लोग। ये पीछे जो गाड़ी है ये है मासराटी,
और भाई अगर मेरे पास मासराटी हो तो फिलहाल मैं मंडी में आके सामान नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यार जब गाड़ी में मासराटी हो तो मंडी में क्यों जाना है आपने सब्जी खरीदने, आलू टमाटर लेने। भाई मासराटी का लोन भी तो देना है, इसलिए सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहे। आ कुछ तो ठीक है, पर ये क्यों आया है तो ये मेरे को नहीं पसंद। देखा गाइस मैंने क्या बोला था, गुल्लू को ना घिया पसंद है ना बनाना, तो उसने वही चीज उठाई सबसे पहले। तो गाइस आपने देखा था कि मैं घिया लेके आया हूँ, तो घिया बनाने के लिए हमें दो स्पेशल शेफ बुलाने पड़े, क्योंकि इतनी दूर से मेरे पास फोन आया कि आज बहुत ही तगड़ी सब्जी बनानी है। तो गाइस आज हम बना रहे हैं घिया, गुल्लू शक्ल दिखाओ। तो ये है वो लड़की जो ना घिया देखती है ना खाती है, तो दो दो लोग ये देखो भाई सीधे कुकर में कट रही है घिया, रायता बनेगा इसका और उसकी सब्जी। तो गाइस देखा एक घिया से कितना काम वाला, रायता घिया सब्जी, बड़े बड़े लोग आए बनाने के लिए, ये दूसरे यूट्यूबर आए हुए जो हमारे घर हमारी वीडियो में आकर के घिया बना रहे हैं।